Hi students, assalamu alaikum. I'm your teacher from Nexus Schooling System and I hope that you all are fine. Welcome back in our next video. Students of class 8, you know that in previous video we have learned about English book and inshallah today we will learn about English too. So first of all, open your English book and come to the page of index. Students of class 8, as you know that in our previous video we have learned about unit number 1. Unit number 1, our prophet. We have learned this chapter, we have read this chapter. Now we will learn about unit number 2, special people. A happy group, a funny incident. Okay? Aaj hum kya padhenge? Special people, unit number 2. पेज नंबर क्या है? 10. सो कम टू पेज नंबर 10. अब हम आएंगे पेज नंबर 10 पे. आवर प्रॉफिट हमने पढ़ लिया, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पीपल. ओके, स्पेशल पीपल का मतलब क्या होता है? जो हमारे खास लोग होते हैं. नजर आ रहा है सबको? जी, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 स्पेशल पीपल, यूनिट नंबर 2 स्पेशल पीपल. अब हम इसको आगे रीड करते हैं, राइट. क्या लिखा हुआ है? अ हैप्पी ग्रुप. प्री रीडिंग डिस्कशन. पीपल विद डिसएबिलिटीज शुड नॉट बी इग्नोर्ड. बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर में स्पेशल पीपल का मतलब वो है, यानी वो ख़ास लोग होते हैं. हम हैं जो है आम लोग हैं, ठीक है. अगर कोई जैसे किसी कोई डिसेबल है, कोई मोहताज है, अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है तो हमें उन लोगों को जो है वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उन लोगों को अपने ग्रुप में बिठाना चाहिए, उन लोगों को हम आम लोग की तरह समझना चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो देख नहीं सकता, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो है ये कहते हैं कि ये देख नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, लेकिन बेटा ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है. हमें उन्हें जो है वो अपने साथ बिठाना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए. इस चैप्टर में बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि हमें जो है वो डिसएबल लोगों के साथ खुलूस के साथ पेश आना चाहिए, राइट. आगे देखते हैं, कह रहा है, नज़र आ रहा है सबको. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद योर क्लासमेट्स. आप इसके बारे में अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल. स्टार्ट करते हैं अब हम. वी वर सिटिंग अराउंड अ टेबल एट द ब्यूटिफुल ब्राइट वेडिंग गार्डन. हम जो है वो एक टेबल पे बैठे थे. ब्यूटिफुल ब्राइट वेडिंग गार्डन, एक गार्डन में जो वहाँ पे जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन की शादी हो रही थी. द ब्यूटिफुल ब्राइट हुज वेडिंग वॉज बींग सेलिब्रेटेड, उसकी शादी जो है हो रही थी, वॉज स्टिल एट द ब्यूटी पार्लर. जिसकी शादी हो रही थी वो कहाँ थी? ब्यूटी पार्लर में थी. शी वॉज लेट बाय मोर देन 2 आवर्स. वो 2 घंटे लेट हो गई, ठीक है. इवन द ब्राइट ग्रूम वॉज यॉनिंग. अब उसका जो दूल्हा था वो बेचारा क्या कर रहा था? जमाइयाँ ले रहा था, राइट, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था. द ग्रुप एट माई टेबल हैज़ स्टॉप टॉकिंग. मेरे टेबल पे जो ग्रुप था वो उन्होंने बोलना यानी स्टॉप कर लिया, वो खामोश हो गए, चुप हो गए. वी डिडंट नो व्हाट एल्स टू से टू वन अनदर. हम ये नहीं जानते थे कि हम अब क्या बोलें एक दूसरे को, ठीक है. उसके बाद सडनली अचानक नज़र आ रहा है सबको, आई होप दैट आपको नज़र आ रहा होगा. मैं इसको और भी जो है वो जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए, ठीक है. नज़र आ रहा है सबको, राइट. सडनली यहाँ देखिए, सडनली आई सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंटर द वेडिंग गार्डन. अचानक मैंने एक ग्रुप देखा, लोगों का ग्रुप देखा जो वेडिंग गार्डन में एंटर हुआ. देयर वर सम यंग मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप. वहाँ पे कुछ यंग मैन थे और वुमेन थी, यानी कुछ आदमी थे और औरतें थी उस ग्रुप में. दे वर कमिंग टूवर्ड्स अस. वो हमारी तरफ आ रहे थे. एंड आई कुड सी देयर फेसेस. और मैं उनके चेहरे जो है वो देख सकती थी. दे वर क्या कह रहा है? ओके, दे वर अ लाइवली ग्रुप
ड्रेस्ड इन ब्राइट एंड चीयरफुल कलर्स. वो एक लाइवली ग्रुप यानी खुश ग्रुप था, चीयरफुल था. कलर्स यानी उनके ड्रेस जो थे वो ब्राइट थे, राइट. हम शादी में जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है. आगे देखें, आई एम सॉरी. द वुमेन वर वेयरिंग अ लॉट ऑफ ग्लास बैंगल्स एंड सिल्वर एंकलेट्स. जो औरतें थी उन्होंने बैंगल्स पहने थे और सिल्वर कलर की पायल भी पहनी हुई थी, ठीक है. एंड इट फ्लावर्स इन देयर हेयर. अच्छा, और उनके बालों में जो है वो क्या थे, फूल लगे हुए थे. दे वर शेकिंग देयर हैंड्स. वो हाथ मिला रही थी और एंड मूविंग देयर हैंड्स अलोट. दे वर लाफिंग एट ऑल द टाइम. वो जो पूरा टाइम बैठे हुए तो वो सिर्फ क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द केम एंड सेट अराउंड अ टेबल नियर अस. वो आए और हमारी टेबल के करीब बैठे. आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ देम बिकॉज दे वर सो लाइवली एंड लुक सो हैप्पी. मेरी आंखें उनसे नहीं हट रही थी क्योंकि वो बहुत खुश नजर आ रही थी, ठीक है. बट आई नोटिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज. लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की वो बहुत अजीब थी, अजनबी लगी मुझे, अनोखी लगी. अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने सेंटेंस तोड़ा है तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, डेश, राइट. इसको क्या कहते हैं बच्चों, डेश. दे मेड नो साउंड एट ऑल. वो क्या कर रहे थे, कोई शोर नहीं कर रहे थे. ऑल आई कुड हेयर वॉज द टिंकलिंग ऑफ ग्लास बैंगल्स एंड समटाइम्स द मूविंग ऑफ चेयर्स एंड वर्म्स. अच्छा, मुझे उनके जो चूड़ियाँ थी उनकी टन नज़र आ रही थी, यानी सुनाई दे रही थी. एंड समटाइम्स मूविंग ऑफ चेयर्स एंड वर्म्स. और जो चेयर्स मूव कर रही थी तो उसकी आवाज़ भी आ रही थी, मुझे सुनाई दे रही थी. इवन सम क्लैपिंग, क्योंकि वो क्लैपिंग भी कर रही थी तो वो भी मैं सुन रहा था, ठीक है. बट आई डिड नॉट हेयर अ सिंगल वर्ड. लेकिन मैंने उनके मुंह से यानी एक अल्फाज भी, सिंगल वर्ड भी नहीं सुना. क्यों नहीं सुना, आगे पता चल जाएगा, राइट. देन माई फ्रेंड फायजा केम बाय टू से हेलो. उसके बाद जो है वो मेरी दोस्त फायजा आई हेलो कहने. एंड आई विस्पर टू हर. और मैंने उसे कहा यानी आराम से कहा, व्हाट ऑन अर्थ इज़ द मैटर विद देम. इनके साथ मसला क्या है, ठीक है. उसके बाद जो है फायजा लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द हैप्पी ग्रुप. फायजा ने उनकी तरफ देखा एंड विस्पर्ड बैक, डोंट यू नो, आप नहीं जानते, दिस इज द ब्राइड्स ब्रदर मुनीर. ये दुल्हन का भाई मुनीर है, दुल्हन का भाई मुनीर है, राइट. द फेमस आर्टिस्ट, एक मशहूर आर्टिस्ट. ऑन हिज राइट इज हिज न्यूली मैरिड वाइफ. उसके साइड में जो है वो उसकी मैरिड वाइफ है यानी, एंड द रेस्ट आर देयर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. और उसके जो है वो बाकी दोस्त हैं, ठीक है. अब डेश दी गई है यानी सेंटेंस को ब्रेक ऑफ क्या किया, ब्रेक ऑफ क्या गया है. आगे कह रहा है द स्कूल फॉर द डेफ एंड डम यू नो. एंड देन आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहरे और गूंगे थे इसी वजह से वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे. वो अपनी जो है वो खुशियों में, अपने मस्ती में ही वो मगन थे, राइट. उसके बाद जो है अब आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ. लिखा हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रू और फॉल्स दी गई हैं. बेटा मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि इट्स योर होम असाइनमेंट. हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, एक्टिविटीज़ आप खुद करेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों ने स्कूल पे आके इनको चेक करवाना है. क्लास में भी आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे इन चैप्टर्स के हवाले से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट. कह रहा है द वेडिंग वॉज बींग सेलिब्रेटेड एट द ब्यूटिफुल ब्राइड वेडिंग गार्डन. ट्रू है, फॉल्स है, यू नो बेटर. आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप खुद यहाँ पे टिक लगाएंगे, ट्रू है या फॉल्स है. द ब्राइड केप्ट एवरीबडी वेटिंग. ट्रू है, फॉल्स है, यू नो वेल. ओके, द ब्राइड ग्रूम वॉज बोर्ड. कम टू द पेज नंबर 11. अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पे. लेट्स सी हियर, दिखाई दे रहा है पेज नंबर 11. ओके, अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. देखें यहाँ पे भी ये क्या है, जे तक ट्रू फॉल्स है, यह आप खुद कर लीजिएगा, राइट. उसके बाद जो है अमंग द पीपल इन द वेडिंग गार्डन नेम द फॉलोइंग. कह रहा है उन लोगों के नाम दें जो गार्डन में थे. अब वो क्या कर रहे थे, मैं समझाती हूँ आपको. द पर्सन हु वॉज स्पीकिंग टू द ऑथर. वो कौन था जो बोल रहा था, ठीक है. द पर्सन हु वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग.
वो कौन था जो वेट करके थक गया था? कौन था पता है आप लोगों को? द पर्सन हु वॉज गेटिंग रेडी। वो कौन शख्स था जो तैयार हो रहा था? ठीक है, द पीपल हु वर एंजॉयिंग देमसेल्फ। हैप्पी ग्रुप जो आया था वही इंजॉय कर रहा था, तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे? हैप्पी ग्रुप। बाकी जो है वो आप खुद करेंगे, राइट? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये देखें, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका आंसर लिखेंगे, राइट? इस तरह से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why did the bride keep everyone waiting? Describe what the group of people who entered the wedding garden were and they were doing. Summarize the story. Be sure to give it a title. Its main idea and conclusion. State how the story made you feel and give the reason why. आपको कुछ questions दिए गए हैं जिनके answers जो है वो आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं vocabulary की तरफ। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, राइट? मेच द वर्ड्स ऑफ द करेक्ट टू द करेक्ट मीनिंग्स। आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ मीनिंग्स दी गई हैं, लेकिन ये जो है वो चेंज है, तो आप लोगों ने सेम मीनिंग्स वर्ड्स के जो करेक्ट मीनिंग है वो आप लोगों ने मैच करनी है उसमें, ठीक है। सेलिब्रेट का क्या होगा? ऑब्जर्व अ डे और इवेंट, सेलिब्रेट, राइट? बाकी जो है वो आप खुद करेंगे, इस तरह से मैचिंग करनी है। नंबर 5 पे है, Use the above words in your own sentences. ये जो words हैं इनको आप लोगों ने अपने sentences में बनाना है, right? अब funny incident. अब हम पढ़ते हैं एक funny incident. क्या है? रमज़ान अली went to the hospital for a checkup. रमज़ान अली hospital जाते हैं, यानी गए checkup के लिए. He was 75 years old. उसकी age क्या थी? 75 years old, right? He had been wearing a hearing aid for 20 years. उसने जो है वो हेयरिंग एड, बेटा आप एक ये जब हम हेयरिंग एड लगाते हैं तो थोड़ा बहुत हम सुन सकते हैं उसकी मदद से, ठीक है, बट स्टिल कुड नॉट हेयर वेल। लेकिन अभी तक जो है वो उसने सही नहीं सुन पा रहा। क्यों? अब क्यों? वो आगे देखते हैं, ठीक है। ये फनी है, इसको मज़ा लें इससे। द डॉक्टर हु वॉज एन एयर स्पेशलिस्ट, वो कान के डॉक्टर थे, ठीक है, एग्जामाइंड हिम, He told him gently, उसने उसे शरीफाना तरीके से बताया, Mr. Ramazan Ali, the reason why you can't hear well is that, आप सुन नहीं सकते अच्छे तरीके से, उसकी रीज़न आपको पता है, वो ये है कि you have been wearing your hearing aid in the wrong ear. उसने जो है वो गलत कान में hearing aid लगा दी थी, इसी वजह से वो नहीं सुन पा रहे थे। Come to the page number 12. Let's see here. आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, और ये देखिए, ठीक है, पेज नंबर 12 है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। द डॉक्टर देन प्लेस द हियरिंग एड इन द ईयर इन विच द हियरिंग वॉज पुअर। फिर डॉक्टर ने जो उसे जो है वो हियरिंग एड चेंज किया, जिस कान से वो सही नहीं सुन सकता था उस कान में लगाया। आफ्टर 20 ईयर्स रमज़ान अली कुड हेयर वेल अगेन, फिर 20 ईयर्स के बाद जो है वो सही से सुनने लगा। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लोगों ने कॉपी में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड इज रमज़ान अली, हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही स्टार्टेड यूजिंग अ हियरिंग एड, व्हाई वॉज रमज़ान नॉट एबल टू हेयर वेल इवन तो ही वॉज यूजिंग अ हियरिंग एड, इफ यू वर रमज़ान अली हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इन दिस सिचुएशन, यानी आप क्या रिएक्ट करते, ठीक है। चलें, वोकैबुलरी क्या है? नंबर 7 है, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। आप लोगों ने वो वर्ड्स पैसेज में फाइंड करने हैं जिनकी इन वर्ड्स से मीनिंग यानी मैच हो, सेम मीनिंग हो जिनकी, ठीक है। आप लोगों ने वो वर्ड्स फाइंड करने हैं फ्रॉम योर पैसेज। पंक्चुएशन पे आते हैं। मैंने आप लोगों को चैप्टर में बताया कि डैश कब यूज़ होता है, डैश क्या है। अ डैश इज़ यूज्ड एज अ सेपरेटर टू इंडिकेट दैट अ सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ। जब सेंटेंस टूट रहा होता है, ठीक है, तो हम डैश यूज़ करते हैं, डैश, ये डैश, राइट। एन इंडिकेटर ऑफ अ न्यू डायरेक्शन ऑफ थॉट,
before a word or a phrase that has been repeated to show phrases, emphasis. अब आपको दिखाती हूँ कि हमने डैश कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है. You have seen in the text entitled a happy group. आपने happy group में पीछे देखा होगा. There are two sentences which have a dash. पैसेज में हम ये दो सेंटेंसेस पढ़ के आए जिनमें डैश है. नंबर वन है, ऑन हिज राइट वर्ड हिज फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल डैश द स्कूल फॉर डेफ एंड डम. सेंटेंस टूट गया, उसने डैश लिया. बट आई नोटिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज, दे मेड नो साउंड एट ऑल. अब आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है नंबर 8 पे. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज अ डैश वेयर रिक्वायर्ड. इन सेंटेंसेस में आप लोगों ने डैश लगानी है जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ ज़रूरत है आप खुद लगाएंगे. कम टू द पेज नंबर 13, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन एग्जाम्पल्स को रीड करें. द रीजन वाई वी कांट स्पीक क्लियरली, वाई ही कांट स्पीक क्लियरली इज दैट ही हैज अ वेरी बैड कॉल्ड. द रीजन वाई इट इज अ हॉलीडे टूडे इज दैट इट इज कायदे आजम्स बर्थडे. राइट, दो सेंटेंसेस दी गई हैं, रीज़न बताई गई है आप लोगों को कि क्यों ये नहीं हो सकता, क्यों ये नहीं हो रहा. मेक थ्री सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज द रीज़न वाई. द रीज़न वाई फिर आप लोगों ने सेंटेंस बनाना है. द रीज़न वाई फिर आप लोगों ने सेंटेंस बनाना है. इस तरह से आप लोगों को तीन सेंटेंसेस बनाने हैं. आर्टिकल्स पे आते हैं. बेसिकली ये ग्रामर है. आर्टिकल्स हैं अ एंड द. तीन आर्टिकल्स होते हैं. कितने होते हैं? तीन. यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन ओनली विद अ सिंगुलर नाउन हूज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नॉट नोन. अ हम कब यूज करेंगे? यूज द आर्टिकल अ बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अ वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे, अ वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे जो है वो अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. एंड यूज द आर्टिकल एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वोवेल साउंड. एन वहाँ यूज करेंगे या जहाँ पे जो वर्ड है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो. ठीक है. एग्जाम्पल्स हैं, सडनली आई सॉ अ मंकी. एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अ. रनिंग इन द गार्डन, सडनली आई सॉ एन ओल. ओल वोवेल. ओ क्या है? वोवेल. तो क्या लगाया हमने यहाँ पे? एन. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. दे वर अ लाइवली ग्रुप ड्रेस्ड इन ब्राइट एंड चेयरफुल कलर्स. दे वर एन ऑनर लेट एन ओवर लेट. This is a uniform. Come to the page number 14. This is a page number 14. Okay, it's a page number 14. अब आगे देखें कह रहा है. इन्होंने आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से जो है वो बताया है. आगे देखते हैं क्या लिखा है. राइट, लिखा हुआ है यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद एनी नाउन When a specific identity of the noun is known. The कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब कोई खास आइडेंटिटी हो उसके लिए हम जो है वो पर्टिक्यूलर नाउन हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? The यूज़ करते हैं. Use the article the when the particular noun has already been mentioned previously. Use the article the when an adjective phrase or clause describing the noun clarifies its identity. For example, I went to a wedding. The wedding was a grand event. Wedding को यहाँ पे जो है उन्होंने प्रीवियस में इन्होंने मैंशन किया है, तो आगे जो है वो वेडिंग को हम क्या करेंगे? द के साथ यूज करेंगे. ठीक है. द ग्रुप एट माई टेबल हैज स्टॉप टॉकिंग. द ब्यूटिफुल ब्राइड वॉज स्टिल एट द ब्यूटिफुल ब्यूटी पार्लर. दैट इज द ब्राइड्स ब्रदर. डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और एनी अनकाउंटेबल नाउन्स यूज टू मीन ऑल और इन जनरल. आप लोग कभी भी प्लूरल काउंट जो मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस. ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जनरल. ये आप लोग इनके साथ जो है वो द यूज़ नहीं करेंगे. यूज़ द विद यूनाइटेड कंट्रीज, लार्ज रीजन्स, डेजर्ट्स, पेनिनसुलास, ओशियंस, सीज, गल्फ्स, canals, rivers, mountain ranges and groups of islands. The third desert, the Islamic Republic of Pakistan, the river Indus. ठीक है. खास खास जो होते हैं उनके साथ आप द यूज करेंगे. नंबर 10 है, इन द गिवन सेंटेंसेज यूज वर्ड अ एन और द वेयर रिक्वायर्ड. पुट अ क्लोज इन द ब्लैंक्स वेयर नो आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड.
के रहा है, इस एक्टिविटी में आप लोगों को अ एंड द का यूज़ करना है, जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना वहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है, सही? आप खुद करेंगे। कम टू द पेज नंबर 15, मॉडल वर्ब्स, कुड एंड कुड नॉट। मॉडल वर्ब्स क्या हैं? कुड एंड कुड नॉट, कुड क्या है देखते हैं। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस क्या है? कुड। द वर्ड कुड कैन बी यूज्ड A variety of ways, some uses and explanations are given below. We can use the word could too. Could हम कहाँ use कर सकते हैं वो देखें। Talk about what someone was able to do or was allowed to do. I could hear the tinkling of glass bangles. ठीक है, could जो है बेटा हम जो चीज़ कर सकते हैं, जो मतलब देख सकते हैं, like I could see, I could hear or I could do, और इस तरह से कुड जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह हम कुड यूज़ करेंगे। दे कुड कम्युनिकेट ईजीली इफ दे यूज साइन लैंग्वेज, यानी हम कुड जो है वो पास्ट टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, कुड हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कुड नोट, इसी का जो है वो क्या है? नेगेटिव है। आई कुड नोट डू द वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता, इनएबिलिटी। कुड नोट इसका नेगेटिव, राइट? मैं इस मॉडल वर्ब्स को डीपली ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मॉडल वर्ब्स इंशाल्लाह वी विल लर्न इन आवर क्लास, राइट? मेक थ्री सेंटेंसेस ऑफ योर ओन ईच विद कुड और कुड नॉट। आप लोगों ने तीन सेंटेंसेस कुड और कुड नॉट के बनाने हैं। थैंक यू। राइटिंग है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, मेक श्योर दैट योर एसे हैज़ थ्री और मोर पैराग्राफ्स। कुछ ऐसे दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस पैराग्राफ, अच्छा, A memorable moment, an unforgettable event, my best friend. इन तीनों में से आप लोगों ने कोई एक जो है वो क्या करना है, ऐसे बनाना है। आ जाए पेज, लास्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे। इट्स आवर लास्ट पेज। ये देखें, पेज नंबर 16 है। ऊपर लिखा हुआ है ओरल कम्युनिकेशन। क्या लिखा हुआ है? ओरल कम्युनिकेशन है। वर्क इन पेयर्स एंड रीड सम एक्सप्रेशन फॉर आस्किंग एंड शेयरिंग ईच अदर्स इमोशंस। Ask questions, answering questions. क्वेश्चन करते हैं फिर ये जवाब हमें मिल रहे हैं। कह रहे, हाउ डू यू फील? आई एम सो हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड। हे, वॉट अबाउट दैट? वाओ, वंडरफुल, फैंटास्टिक आइडिया। इज इट राइट? इनक्रेडिबल, इट्स वंडरफुल, फैंटास्टिक, मार्वेलस। इज देयर टू कीप? ग्रेट, फैंटास्टिक, स्मैशिंग। व्हाट डू यू से? आई फील एंथुसियास्टिक About it. What a new sense. It is great. I think it is pathetic. I'm sorry. I really did not like it much. It is just okay. It is not up to the mark. ठीक है? आप लोगों से कोई ऐसे सवाल करे तो आप लोगों ने क्या जवाब देने हैं? अब आते हैं लास्ट जो है हमारी एक्टिविटी है, बिल्कुल लास्ट है। क्या कह रहा है? आई होप दैट आपको नज़र आ रहा होगा। जी, अब तो आ रहा होगा। ठीक है, पेज नंबर 16 है, ये हमारा लास्ट है, फिर जो है हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। इन द सेम पीरियड रीड द सीनरी इज गिवन बिलो, देन रोल प्ले विद एनी वन सीनरी इन क्लास यूजिंग द एक्सप्रेशन दैट यू रीड इन द टेबल अबव। 1, 2, 3, 4 चार हैं। आप लोगों ने जो है वो एनी वन, किसी भी एक पे जो है वो क्लास में आप लोगों ने इस सीन को जो है वो प्रेजेंट करना है। किस तरह? Government and private organization must ensure that facilities are provided to people with any disability so that they could can lead a better life. Even though the government has announced free education, many children in Pakistan do not go to school and are forced to work. We all must teach at least one person in our life to help others and improve our own learning. इनमें से आप लोगों ने कोई भी एक करनी है, right? Share the feelings. Top the doctor and Ramzan Ali in dialogues using appropriate expressions. वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी। यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 2 हमारा फाइनल हो गया, इंशाल्लाह वी विल लर्न। इन आर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यूनिट 2 आज हमारा कम्प्लीट हुआ, ठीक है बच्चों? और जो मैंने एक्टिविटीज़ दी हैं वो आप लोगों ने करके आनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।